अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम उससे मुराद औलाद आदम। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को तमाम मखलूक पर और तरीयत बख्शी। वलकद करमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को मुकर्रम बनाया, मुशर्रफ बनाया, मुअज्जम बनाया, अजमत वाला बनाया, शर्फ वाला बनाया। पूरी मखलूकात में हत्ता के मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए इकराम को मुशर्रफ फरमाया। ये सबसे मुकर्रम इंसानियत के नाते वो भी इंसान, लेकिन अपराधरा इंसान समझना नबियों को यहां इमामत, अपने ऊपर प्रयास करना नबियों की जात को ये बेदीनी है, इस्लाम से खारिज होने की अलामत है, ईमान से खारिज होने की निशानी है। कोई भी अंबियाए इकराम को अपने ऊपर कयास करे कि वो भी हमारी तरह इंसान थे, इंसानियत में तो कोई इनकार नहीं करता। सब मानते हैं कि नबी भी बशर हैं, लेकिन अफजले बशर हैं। नबियों की अपनी तरह कयास करना उम्मती के लिए रवा है। इसलिए इंसानियत के नाते अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात पर इंसान को मुकर्रम बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला निजाम फरमाया 18,000 मखलूकात लफ्ज़े कुन से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, कुन फयकुन, रब ने फरमाया हो जा, हो गई। उसके हुक्म की तामीर 18,000 मखलूकात में से 17,997 मखलूक गैर ज़मीन उमूर में जो इंसान की तरह कलाम नहीं करते, इंसान की तरह बोलते नहीं, इंसान की तरह बातचीत नहीं करते, उनको गैर ज़मीन उमूर बोलते अरबी जबान में। और 3 मखलूक ज़मीन उमूर है, उनमें इंसान, अंबियाए इकराम और फरिश्ते। तो अंबियाए इकराम भी इंसानों में आगे, वहां 76 मखलूक रही, इंसान और फरिश्ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से भी ज्यादा एजाज अता फरमाया इंसान के लिए। ये नूरानी मखलूक अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जो खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, रात दिन याद इलाही में लगे रहते हैं, और उन्होंने अपने इस जिक्र का कुरान पाक में तज़किरा भी किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे आदम को बनाने के लिए फरिश्तों की मीटिंग ली और आपने अपना इरादा रब तबारक व तआला ने जाहिर फरमाया कि मैं ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो मेरा खलीफा हो जमीन में, तो फरिश्तों ने कहा अच्छा जादू का मनुष्य दिमाग मौला क्या तू उसको बनाएगा, दुनिया में जाकर फसाद करेगा, खुद बहाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नी आलम आला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने अपनी उस जिक्र की, उस याद का तज़किरा भी किया, मौला हम तेरी तस्वीर और तहलील बयान करते हैं फिर भी तू उसको क्यों पैदा फरमा रहा है। और हमने जवाब दिया जो मैं
नहीं जानते। इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह तआला ने उन तमाम मखलूकात पर बरतरी इसलिए अता फरमाई, इंसानी लवाजिमात लगाने के बाद तमाम चीजों से आदमी अपने आप को रोक कर अल्लाह की याद बनाता है, नफ्स देने के बावजूद अल्लाह के डर से बुराइयों से अपने आप को बचाता भी है। फरिश्ता तो वो नूरानी मखलूक है जिनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा ही नहीं, गुनाह करने का साइबा ही नहीं रखता, वो गुनाह करे कैसे? दिया गुनाह की सलाहियत देने के बावजूद फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसान को इस नफ्स देकर भी बंदे उस रब का और अपने दिल में सजा कर और अपने आप को बुराई से बचाते हैं। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, दिल कर हमको किए हैं फरिश्तों ने सजदे, दिल को जब नूरे मोहम्मद से सजाया हमने, फरिश्ते भी सर पर सजूद हुए सरकारे आदम अलैहिस्सलाम वो सलाम के सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बरतरियत अता फरमाई, अफजलियत अता फरमाई, मुकर्रम बनाया, मुशर्रफ बनाया सारी मखलूक पर। उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए कैसे कैसे जौहर अता फरमाए, किन किन की जौहरों का जिक्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने चार कीमती जौहर अता फरमाए, उन कीमती जौहरों का महबूब दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि उनमें से कीमती चीज अकल है। कितना कीमती जौहर अल्लाह ने अता फरमाया? अकल। और जिसके पास अकल का मेयार है उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकल्लफ बनाया। मुकल्लफ या मुकल्लफ इसका भी खुलासा करो कि अपनी इबादत की बंदगी की जिम्मेदारी आपके वाजिब मुसलमान पर लगाई। नमाज किस पर फर्ज है? आपके वाजिब मुसलमान पर। हज किस पर फर्ज है? आपके वाजिब मुसलमान पर। सजा किस पर फर्ज है? आपके वाजिब मुसलमान पर। यानी अकल का मेयार जिसको अल्लाह ने अता फरमाया, अपनी फर्जियत की अपनी बंदगी की फर्जियत उन्हीं पर लाजिम फरमाई। जिनके पास अकल नहीं, दीवाने थे, पागल थे, बेचारे दुनिया से कोई नफा हासिल नहीं करते, नालियों में बैठे हैं, कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, वक्त पर खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो अल्लाह ने अपनी बंदगी से उनको आजाद फरमा दिया। मरफूल कलम है, उन पर अपनी फर्जियत लागू नहीं फरमाई। लागू किस पर फरमाई? जिनको अल्लाह ने अकल का मेयार अता फरमाया है उसके लिए ही नमाज फर्ज है। नमाज जिस पर आमिर वाजिब मुसलमान पर फर्ज है। अकल एक बहुत कीमती जौहर है, इसको बचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदाबीर बयान फरमाए। अकल दिमाग में रहती। एक मरतबा लुकमान हकीम उनके पास सारी चीजें बातचीत कर अल्लाह ने उनको ये कमाल अता फरमाया, उन हकीम के लिए जो अल्लाह के नबी भी मुकर्रर बात माने जाते, एक पद भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया। ये जड़ी बूटियां खुद उनकी बारगाह में आकर अर्ज करती, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, हम फला मर्ज की दवा हैं। बताइए, तबीब रिसर्च करते हैं, दवा का इस्तेमाल करते हैं, देखकर जब तजर्बे पर पहुंचते हैं कि ये दवा किस मर्ज में कारगर साबित होगी, यहाँ खुद जड़ी बूटियां उस मुकद्दस नबी की बारगाह में आकर उस बीमारी के इलाज की खुद गुजारिश कर दी कि हमको अल्लाह ने इस बीमारी के इलाज के लिए पैदा फरमाया है। उनके सामने एक मतलब आया अकल, अकल आई तो उसने जाकर तुम कहा रहे थे दिमाग में, थोड़ी देर बाद में फिर गुस्सा आया, तो बोला उसने कहा कि तुम कहा रहे थे,
अब मेरे दिमाग में, दिमाग में तो अकल रहती, तो उसने हद किया उससे एक अकल जब चली जाती है तो मैं दिमाग में बस जाता। यानी अकल को कौन खत्म करता है? वो सब खत्म करता है। इसलिए प्यारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा अकल को खत्म कर देता है। इस कीम के जौहर को बचाने के लिए महबूब ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस कीम के जौहर को अपने पास रखना चाहते हो, कौन सा कीम के जौहर है जिसके पास ये अकल का मियार आ गया, उसको अल्लाह ने बुजुर्गी से नवाज दिया। आदमी बड़ा उम्र से नहीं होता है, ये भी फारसी का मकोला है और गाने में हदीस का तर्जुमा भी है, बुजुर्ग की बात अलस्त ना बसाओ मालदारी बदलस्त ना मामा। लोगों बुजुर्गी अकल से है, साल से नहीं, और मालदारी दिल से है, मार्ग से नहीं। कितने आदमी कम उम्र होते हैं, 25 साल का बच्चा होता है, अगर उसके पास होती है तो 50 साल का बूढ़ा भी उसे राय देता है। दुनिया के मामला में, दीन के मामला में तो आदमी साल से बुजुर्ग नहीं होता है, आदमी अकल से बुजुर्ग होता है, अकल से बड़ा माना जाता है, अकल से ही उसको मुअज्जम मानते हैं। इसी तरह माल का मामला है, कितने मालदार ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने दिल नहीं दिया, वो माल की हिफाजत करके उस पर सांप की तरह हिफाजत कर रहे, न खुद खा रहे, न अपने औलाद को खिला रहे हैं, न उसे नफायाब हो रहे हैं, वो सिर्फ एक अजहा की तरह उसकी हिफाजत में बैठे हुए हैं। इसलिए फरमाया कि अकल से आदमी बड़ा होता है और दिल से आदमी मालदार होता है। अगर उसके पास है उसकी हिफाजत करना हर आदमी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत कीमती जो अल्लाह ने अता फरमाया है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो हमें हुनर दी, हमने अकल का मियार तुम्हें ऐसा दिया है जो दोनों रास्तों को पहचानता है। इस रास्ते में कांटे, इस रास्ते में फूल है, इस राह में चलने से आराम मिलेगा, इस राह में जाने से दुख मिलेगा। अच्छाई और बुराई का मियार अकल का अल्लाह ने अता फरमाया है। आखिर आदमी जब कयामत में अल्लाह की बारगाह में शिकायत न कर सकेगा कि मौला मेरे पास कोई मार्ग नहीं आया, मेरे पास कोई रहबर नहीं आया, मेरे पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं आया, मेरे पास कोई मौलाना मुबल्लिग नहीं पहुंचा। अल्लाह फरमाएगा मैंने अकल का जेवर ऐसा अदा किया था जैसे वो अच्छाई और बुराई की तमीज कर सकता था। अगर की जिम्मेदारी है अंबिया इकराम के न्याय बनकर आएंगे, ये लोगों को राह रात बताने का काम करते हैं। अंबिया इकराम ने अपनी सारी जिंदगी में तमाम लोगों को राह रात पर लाने के लिए कोई तकलीफ उठाई, उनकी नियामत का काम बुरवा कर रहे हैं, वो भी अपने इल्म से बुराई का सदभाव अपनी जबान से कलम से जैसा भी उनका हो पड़े, जिसको अल्लाह ने जिस चीज का प्यार दिया है वो तो उसको हिदायत का पैगाम देते हैं। तो कल कयामत में कोई हाकिम ये सवाल नहीं करेगा कि मौला हमारे पास तो कोई रहबर नहीं आया, कोई हाथी नहीं आया, हम अच्छाई पे कैसे जमते। अल्लाह फरमाएगा मैंने अकल का जेवर इतना कीमती अदा किया था जिससे तुम अच्छाई बुराई की तमीज पैदा कर सकते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कितना कीमती जो हर इंसान को अल्लाह ने अदा फरमाया अकल, वो किससे रुके कि जब आप गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं करोगे तो अकल खत्म हो जाएगी। अकल के माउस होने के कई रास्ते हैं, एक तो शराब भी अकल को खत्म करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार के ये शराब पीने से अकल माउस हो जाती है, और दूसरा सरकार ने इरशाद फरमाया गुस्सा भी अकल को खत्म कर देता है। तो शराब को न जिसको ऐन है, जिसको सब मुसलमान हराम समझते हैं और हराम है भी, और कई नस्से कुरान और हदीस दोनों से उसको
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। नौजवान काम करते समय बियर दाढ़ी और चीजें जो नशावर है वो सब इसकी किस्में हैं। और एजमाए उम्मत में अरे भाई जरा फरमाते कुल्लु मुस्किरिन हराम, उसके तहत में हर नशा लाने वाली चीज हराम है। नशा किसे कहते हैं? जिससे अकल खत्म हो जाए, चलने में पांव लड़खड़ाने लगे और आदमी की अकल माउस हो जाए, वो नशा शरीर पे हराम है, उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए। तो उससे आदमी इस तरह की जो आज बियर पीने के युवा पीढ़ी शौकीन हो गई है, जिनमें हराम पीने जाते के लिए हराम नहीं है, वो भी कान खोल कर सुने। जितनी भी इसमें है नशावर वो सब इस हदीस के तहत उलमाए कराम ने हराम करार दी है। कहा नशावर चीज हराम है, तो अकल को माउ करती है शराब और ये गुस्सा। तो अगर जिसम आए हैं उससे तो हमको बचना ही बचना है। हमारे उलमाए कराम बुजुर्गाने दी उसकी हर तरह से बुराई बयान फरमा दिए है। हत्ता के अहदे नबी से पहले शराब अगर जिस्म में लग जाती तो उसको छुरी से काट कर फेंक के जब जाके जिस्म पाक होया करता था। इस उम्मत के लिए आसानी महबूबे दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कोई अगर शराबी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी पिछली खताओं को माफ तेरे महबूब का मुस्तफा जाने रहमत किस तरह प्यार फरमा दे अपनी उम्मत से कि अब जा कुछ भी काटने का नहीं, अब तो दिल से सच्ची तौबा कर लो, उसी तौबा से तुम्हारी खताएं माफ हो जाएंगी। दूसरी चीज अकल को कौन चीज खत्म कर दे? गुस्सा। जब ये गुस्सा आता है तो गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ। इसलिए गुस्सा मारने से इसको अपने काबू में करने से आदमी मकाम विदायत पर पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों शरीयत के मुताबिक ने उसके रास्ते बयान फरमाए कि गुस्सा शैतान की जानिब से है, शैतान अल्लाह ने आग से बनाया है। कभी भी आप देखेंगे जब भी गुस्सा आएगा तो शरीर में हरारत पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी, सर्दी में भी आदमी को पूरा शरीर गर्म हो जाएगा जब आदमी को गुस्सा आता है। शैतान की जानिब से शैतान को अपना असर दिलाएगा। इसलिए उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बयान फरमाया कि जहां गुस्सा आए आदमी पहला रास्ता तो ये है जगह बदल दो। जहां भी आदमी को गुस्सा आ रहा है अपनी जगह चेंज कर दी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता सरकार बयान फरमाते आदमी पानी पी ले, क्योंकि आपको पानी ही खत्म करता है। कोई आदमी अगर एक गिलास पानी पी लेगा तो आदमी का गुस्सा खत्म हो जाएगा। रमजान शरीफ में ऐसा बस सोच लिया तो मौलाना साहब ने बस का बता दिया। रमजान में क्या करोगे? वजू कर लोगे, हाथ पांव ठंडे हो गए, आपने जाके वजू खाने पे वजू कर लिया, तो जैसे ही आप शरीर में लगी थी आपने वजू किया, जैसे ही ठंडक पहुंची गुस्सा खत्म हो गया। सरकार फरमाते किसी आदमी को खड़े होने में गुस्सा आया तो बैठ जाए, बैठने में गुस्सा आया तो लेट जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बयान फरमाए हैं कि इतने कीमती जौहर को कोई आदमी बचाए तो इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर इन राहों से न गुजरेगा तो वो कीमती जौहर अपना बचा नहीं सकेगा। अकल बहुत कीमती चीज है, इसको बचाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रास्ता बयान फरमाया है कि गुस्से पे कंट्रोल किया जाए। जब गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा तो ये कीमती जौहर हमारे पास रह जाएगा। दूसरी कीमती चीज सुनो, अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थी मजहब बहुत प्यारी थी और तमाम दीनों में बेहतरीन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। सारे लोग अपने धर्म की तारीफ करते हैं, सारे लोग अपने धर्म को मानने की दावत भी देते हैं लोगों को, लेकिन उन तमाम धर्मों में अफजल आला अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इस्लाम ही है जिसमें सलामती का पैगाम है, अमन का पैगाम है, सुकून और राहत का पैगाम है। इस्लाम आने से पहले बहुत लोगों में
हम शाम था जब इस्लाम आया और पहले इस्लाम की तालीम आई तो पूरी दुनिया में राहत और सुकून की लहर दौड़ गई। यही इस्लाम और यही दीन है जिसने हुकूक इंसानी का ख्याल रखा। जब तक दीन मुहम्मदी नहीं आया था तो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे थे। इंसानी हुकूक को दर्जा दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जानवर जंगल में जानवर पर जुल्म किया करता था। इस तरह पूरी दुनिया पे लगाम थी। जब बड़ी इस्लाम की तालीम आई तो मुस्तफा जाने रहमत ने पैगाम सुनाया कि तमाम जाएगा उस राहत और सुकून की जिंदगी तमाम लोग जीने लग जाएंगे। राहत सुकून का चिंता है जब आदमी का हक खत्म हो जाता है, हक के लिए आदमी बेचैन होता है। मछली का हक है पानी में, कोई आदमी अगर मछली को मसेरी गद्दे पे ना मिलता है मखमली गद्दे पे पटक दे तो मछली तड़पेगी। नादान इंसान कहता है यार ये तो बड़ी अच्छा गद्दा है, मैं लेट जाऊं तो मुझे नींद आ जाए, इतना शानदार मखमली गद्दा फिर भी मछली तड़प रही है तो वो दबाए हाथ से यही कहती कि दादा मेरा हक तो पानी में रहना था, मेरा हक इसने छीन कर मुझे मछली गद्दे पे डालना है। मैं अपने हक के लिए रो रही हूँ, मैं अपने हक के लिए तड़प रही हूँ। ऐसे ही इंसान है जिन घरों में बाप का माँ का भाई का भावज का भतीजे का भांजे का अपने हुकूक की जब पामाली होती है तो उन घरों में बेचैनी रहती है और जिन घरों में बराबर उनके हुकूक की अदायगी होती है उन घरों में राहत और चैन और सुकून की जिंदगी लोग जीते हैं। दीन तमाम दीनों में अफजल दीन है दीन मोहम्मदी और अल्लाह ताला ने कुरान में भी साफ फरमाया इन दीन عند الله الاسلام। तमाम मजहबों में अगर मजहब है तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम पाकीदा मजहब है। अरे नबी ने साफ फरमाया इस दीन को कायम रखने के लिए कौन सी बीमारी है जो इसको खत्म करती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसद दीन को खत्म कर देता है। जलन, हसद के माने जलन, ये हसद ऐसी बुरी चीज है जो दीन को मिटा देती है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के लोगों ने हसद किया कि अल्लाह ने इसको नबी क्यों बना दिया? गरीब घर का बाप भी इंतजार कर गया, जमीन और जायदाद का मालिक भी नहीं है, नबी इसको क्यों बनाया खुदा ने? हम तो वजाहत और आला इससे भी ऊंचे मालदार खानदान वाले थे, हम नबी होते हमारे खानदान में नबी आता। उसी हसद की दुनिया पर लोग जिनको ईमान नसीब नहीं था वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वंचित रह गए और जिन्होंने कब्र की वो दाखिल इस्लाम हो गए। तो हसद ऐसी बुरी चीज है जो दीन से आदमी को दूर कर देती है, वंचित कर देती है। और हसद ऐसी बुरी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं, अकेले डॉक्टर बिहार के। और ये आदमी अगर जब इसका तो इलाज यह भी फरमाया होने के मौत के सिवा इसका कोई इलाज नहीं। जब कोई भी पड़ा रहेगा ना जब भी हसद करेगा किसी के मांस को देखकर, किसी के मर्तबा को देखकर, किसी के जाल को देखकर, किसी के जलाल को देखकर, किसी के बराती और मनसब को देखकर, ये हसद करने वाला जलता ही रहेगा। वो कब मिटेगा? जब मर जाएगा। हसद इतनी बुरी बीमारी है बल्कि अल्लाह ने कौम में ये अहदा मनसब माल इससे नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र बनाए। दीने वाले जिसको दिया है अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और अल्लाह ताला उससे नाराज भी होता है कि उसकी अता पर इतराज कर रहा है। मनसब दिया तो उसने दिया, मर्तबा दिया तो उसने दिया, मान दिया तो उसने दिया, जाह दी तो उसने अल्लाह फरमाई। खुद खुदा इरशाद फरमाता है ऐ नादान जिसको मैं तू से कौन रोक सकता है और जिसे मैं नहीं तू से कौन देने वाला पैदा हो सकता है। पर एतराज करे बंदा बहुत नाकिस बात है, इसको हसद कहते हैं। किसी बीमार को मर्तबा को देकर हसद मत करो,
عالم کے مبارک بادشاہوں کے اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا۔ جن کو اگر بچانا ہے تو حسد کی پوری بیماری سے اپنے آپ کو صاف کر دو، تب تمہارا دین بچ سکتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صاحب فرماتے حیا ہو صرف نوبت کے آدمی کے پاس، حیا کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ لالچ۔ قرآن صاحب فرماتے وقت تمو تزیل الحیا، لالچ ایسی بری چیز ہے جو آدمی حیا کو ختم کر دیتی ہے۔ کر کے اس طرح جو نیکی کمائی ان کو یہی مسجد
निकलने के बाद अड्डे पर चौराहे पर जाकर खत्म कर हो जाए। आज का हाल तो यह है कि आदमी जमा तो कहां करे, माइनस में जाए, नेकी 100 कमा रहा है, बुरा 125 से ले कीमत करके और 25 माइनस में चला गया। आखिर उत्तर तो डिपोजिट जब ही जमा होगा जब फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक मेरे हाथ आए हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अमल को जो जाये करती है वो कीमत है, बंदे मोमिन की पीछे बुराई कराना उससे नेकियां खत्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल सरदारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कीमती चार जौहरों का तज़किरा फरमाया, उनको रोकने के लिए चार बातों की वार्निंग दी सरकार ने कि इन चार बातों से अपने इन कीमती जौहरों को आप अपने अंदर रोक सकते हैं जो आपके हमेशा काम आते रहे। जरूरी है ना, महुआ में इनका जलसा है, प्रोफेसर मोहम्मद रसूल कादरी साहब सरप्रस्ती में ये जलसा हो रहा है, शायद दो या तीसरी मरतबा आप यहाँ इसमें विवाद को तशरीफ ला रहे हैं, उलमा इकराम भी बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, जलसे जुलूस की आमदों में जाने के लिए और सफर करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई है, जो ऐसी महाफिल में जाए सरकार फरमाए जन्नत की क्यारियों में जाओ और वहां से चलो। चलना क्या है, सरकार ने फरमाया कि उलमा की बात सुनकर उस पर अमल करके और अल्लाह की तस्वीर बयान करना ये जन्नत की क्यारियों का चलना है। उलमा इकराम की ज़ियारत का भी सवाब है, उलमा इकराम की बात सुनने का भी सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, एक हदीस से बात आप सुनाओ, मन जला सा इंद्र आली के साथ है और समय में हो करवते और मसा माओ हुकते और कतला माओ रुकते आता हुआ होता है जन्नत है कुल्लो जन्नत में सुन दुनिया मर रहते। जो कोई एक आलिम की बात सुने, एक दो लुकमा उसके साथ खाए, एक दो कदम उसके साथ चले और एक दो घड़ी उसके पास बैठे, अल्लाह ताला उसको डबल जन्नत अता फरमाएगा। एक जन्नत इतनी बड़ी होगी दुनिया और दुनिया माफी है उनके बदले में, अल्लाह ताला उसको डबल जन्नत अता